दरकां के विधानसभा क्षेत्र के हाट बड़ैया मैदान में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा ने बीजेपी प्रत्याशी जीतू चरण राम के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान हिमंता ने घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार पर करारा प्रहार किया। साथ ही हेमंत कल्पना की जोड़ी पर चुटकी लेते हुए हिमंता ने कहा कि मैं जब घर जाता हूं तो मेरी पत्नी मुझे खाना नहीं देती है। कहती है, जैसे हेमंत ने अपनी पत्नी को विधायक बनाया, हमें भी बनाइए। को भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रांची में आएगा, एक बहुत बड़ा रोड शो भी करेगा। रोड शो के लिए भी निमंत्रण करता हुआ हेमंत जी बोलते हैं, कल्पना जी बहुत अच्छा है। अरे एक दूजे के लिए सिनेमा का शूटिंग हो रहा है क्या? उसी दिन घर में गया, मेरा बीबी मुझको खाना ही नहीं खिला रहा था। मैं बोला झारखंड से आया हूँ, झारखंड से क्या सीखा? मैं बोला बहुत कुछ सीखा। अरे अच्छा बात सीखा कि नहीं? क्या बात? घर में पत्नी का सम्मान होना चाहिए। बोला कल्पना को देखा नहीं, एमएलए बना दिया, मुझे भी एमएलए बना दो। मैं बोला खबरदार क्या कर दिया। हमारा देश का सारा सीएमओ का घर में हल्ला हो रहा है, सबका बीबी अभी सुना लाना चाहते हैं। मैं बोला ऐसे नरेंद्र मोदी में नहीं हो सकता है, बीजेपी में ऐसे एक दूसरे के लिए सिनेमा का शूटिंग हम नहीं करने दूंगा। सारे घुसपैठी हुआ के संथाल परगना को कब्जा करके ले लिया। आलमगीर आलम प्यारा है, इरफान अंसारी आपको प्यारा है। घुसपैठियों का भोग से आप जीना चाहते हैं, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते। घुसपैठियों को झारखंड से सुन सुन करके बाहर निकालूंगा, ये हमारा वादा है। 10 तारीख को भारत का प्रधानमंत्री लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।